भारत को एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारतीय रीति रिवाज एवं धार्मिक कार्यों में सोने को शुभ माना जाता है। भारत में हर साल करीब 800 टन सोने की खपत होती है। वहीं भारत सहित अन्य देशों के पास सोने का अपार भंडार है। आइए जानते हैं कि किस देश के पास कितना सोना है और इसमें भारत का कौन सा नंबर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास दुनिया में सबसे अधिक सोना है। गोल्ड रिजर्व रखने के मामले में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास 8,133.5 टन सोना है। ये उसके कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 76.9% है। वहीं दूसरे स्थान पर जर्मनी ने कब्जा जमा रखा है। जर्मनी के पास 3,366.8 टन सोना है। इसकी कुल विदेशी मुद्रा भंडार में 73% हिस्सेदारी है। यूरोपीय देशों में जर्मनी के पास सबसे ज़्यादा सोना है। गोल्ड रिजर्व रखने के मामले में इटली का विश्व में तीसरा स्थान है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इटली के पास 2,451.8 टन सोना मौजूद है, जो कि कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 68.4% है। इटली यूरोपीय देशों में जर्मनी के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसके पास इतना सोना मौजूद है। वहीं फ्रांस 2,436 टन सोने के साथ चौथे स्थान पर है। इसके पास कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 62.9% सोना है, जबकि रूस के विदेशी मुद्रा भंडार का 20.2% मतलब 2,241.9 टन सोना है। यदि चीन की बात करें तो वो छठे स्थान पर है। उसके पास 1,948.3 टन सोना मौजूद है, जो कि इसके विदेशी मुद्रा भंडार का 2.9% है। स्विट्जरलैंड 1,040 टन सोने के साथ सातवें, जापान 765.2 टन के साथ आठवें नंबर पर है। वहीं भारत नौवें नंबर पर है जिसके पास 618 टन सोना है, जो विदेशी मुद्रा भंडार का 7% है। नीदरलैंड्स गोल्ड रिजर्व रखने के मामले में 10वें स्थान पर आता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक नीदरलैंड के पास 613 टन सोना है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।